नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मित्रों, कल 29 अगस्त 2024 को संवत 2081 श्रावण पूर्णिमांत भाद्रपद की एकादशी तिथि है। अजा नामक एकादशी व्रत है कल 29 अगस्त 2024 को। और मित्रों, ये इसकी कथा जो है वो आपको बताएंगे। अजा नामक एकादशी बहुत पवित्र मानी गई है, शांति देने वाली है, मोक्षदायिनी है और समस्त मनोरथों को पूरी करने वाली है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है इस दिन। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनकी परीक्षा विश्वामित्र महाराज ने ली थी, उन्होंने अपना समस्त राज्य ऋषि महर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया था। और जब दान दक्षिणा देने के लिए कुछ बचा नहीं, तो अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को और स्वयं को एक चंडाल के घर में उन्होंने बेच दिया था स्वयं को। और गौतम ऋषि के परामर्शानुसार उन्होंने अजा नामक एकादशी का व्रत किया था और इसी के प्रभाव से उनको अपना खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया। और मित्रों, अजा नामक एकादशी जो है, इसका व्रत कब, एकादशी है कब से कब तक, वो आपको बताएंगे। मित्रों, ऐसी स्थिति है कि 28 अगस्त की रात्रि को, यानी कि आज की रात्रि को, और 29 तारीख की अगस्त की सुबह को, रात्रि को 1:22 पर अजा नामक एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। और अगले दिन 29 अगस्त की रात्रि को 30 अगस्त की शुरुआत सुबह, यानी कि रात को 1:40 पर ये एकादशी समाप्त हो जाएगी, द्वादशी लग जाएगी। तो मित्रों, द्वादशी उता व्रत का विधान है, ऐसे हमारे वैष्णव ग्रंथ बोलते हैं, पुराणों में लिखा है। तो द्वादशी के मेल की एकादशी है, बहुत परम पवित्र है। 29 अगस्त को ही, यानी बृहस्पतिवार को कल एकादशी का व्रत है, तो यह मौका न चुके मित्रों। एकादशी के ऊपर चावल न खाएं, अन्न न खाएं और असत्य भाषण न करें, चरित्र की शुद्धता रखें और भगवान विष्णु को फूल अर्पित करें और विधि विधान से व्रत करें। और अगले दिन द्वादशी को इसका पारायण करें, चावल से भगवान को भोग लगाएं। तो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।